गाइस आज का व्लॉग होता है स्टार्ट तो अब राम मंदिर की जो उद्घाटन था 22 जनवरी को एंड कल ही 22 जनवरी है तो आज थोड़ी बहुत दिवाली की वाइब लेने के लिए हमें ना यहाँ पे सफाई वफाई कर लेते हैं, मंदिर को साफ कर देते हैं एंड अभी पूरा घर की हालत ख़राब हो चुकी है तो थोड़ा बहुत वो भी पूरा साफ करूँगा, मैं ही करूँगा और कोई नहीं करने वाला। बाकी तो देखो मेरी मम्मी भी सपोर्ट करती है तो मम्मी भी साफ करेगी, फिर कल का भी दिखाऊँगा मैं आपको इसी व्लॉग में एंड बने रहना इस व्लॉग पे पूरे के पूरे बने रहना हो कि हमें क्या करने वाला हूँ आज के दिन और क्या नहीं करने वाला सब आपको इस व्लॉग में मिलने वाला है। पहले से पहले सफाई कर लेते हैं। इस सफाई को भी बड़े इंजॉय से करने वाला हूँ क्योंकि कल है राम मंदिर का उद्घाटन जो हमारे रामलला पधारने वाले हैं, इसके लिए हम इसको बहुत ही ज़्यादा खुशी से सफाई करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पता है आज से अलग ही मुझे ज़्यादा सफाई करने में मुझे मज़ा नहीं आता, कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये भी लोग मैंने फरमाइश भी बनाया था क्योंकि बहुत सारे ना कमेंट्स करते कि आप ब्लॉग नहीं डालते, होम ब्लॉग नहीं डालते, तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉग डालना चाहिए इतना जब रिक्वेस्ट आ रहा है तो है ना। तो मैं सफाई करने के बाद दिखाता हूँ और अभी देखो मेरा जो ये स्टूडियो टाइप का है ये पूरा ड्रेसिंग साफ होगा, मेकअप का प्रोडक्ट इसमें ही पड़ा है, पूरा साफ होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा नहाने के बाद वो मैं साफ़ करने वाला हूँ कैसा लग रहा है जो भी आपको बता देना, साफ़ होने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हद तक तो पूरा कमरा साफ हो चुका है, अब बस ही बचा है चौक, थोड़ी चादर वगैरह इनको झाड़ के अंदर बिछाना है, फिर बाद में मैं पोछा लगा के दिखाऊंगा। ये हमारा डॉग है मिस्टर पब एंड अभी देखो ये बैठा है, मिशू चलो करनी है, हाँ देखो करनी है। तो अभी करते हैं पूरी सफाई, फिर मेरी सफाई तो पूरी हो चुकी है, रेस्ट लेने के लिए थोड़ी देर में बैठा हूँ और रेस्ट लेने के बाद मैं नहाने जाऊँगा, नहा कर ही मैं मंदिर की सफाई करूँगा और फिर पोछा वोछा सब लगाना है, पहले मंदिर की सफाई करेंगे, जो डस्ट गिरेगी उसको झाड़ू से कचरा इकट्ठा करके उसको फिर पोछा लगाना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये मेरा भाई है, इसका आज बर्थडे, आप सब इसको बर्थडे विश कर देना एंड आप अपना नाम बताओ। हरजोत सिंह। हाँ तो आज इसका बर्थडे, आज सब इसका ना विशेस करना बहुत सारी एंड अभी हम कचौरी खाएंगे, अपनी बर्थडे की पार्टी दे रहा है, थोड़ी बहुत नाश्ता कर लेते। मम्मी पापा आ चुके हैं दोस्तों देख सकते हो और अभी देखो कचौरी खाने को मिलेगी, ये मेरा भाई है। आज हमारी भाभी ने हमारे बच्चे की पार्टी दी है। क्या बोलना चाह रहे हो आप? बर्थडे की पार्टी दी है मेरे मेरी भाभी ने, शी इज माय भाभी। भाभी हाय बोलो। न्यू भाभी देना, खुद लेके चल गया, चल तू दे। आ रहा हूँ दोस्तों अभी कचौरी खा के फिर नहाने जाऊंगा। थैंक यू गाइस, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, देखो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं एंड नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। अभी मैं नहा चुका हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ एंड आगे आपको दिखाता हूँ पूरा, देखना माथा पोंछ के मैं अगरबत्ती करूँगा और उनका श्रृंगार भी करना है। अगर आपको श्रृंगार वीडियो चाहिए, लड्डू गोपाल जी की अलग से दिनचर्या वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं बना दूँगा। तो दोस्त मैंने भगवान जी का श्रृंगार तो कर दिया है, ये देखो मेरे बाबू का है ना लड्डू गोपाल जी का, हाथ टूट गया, वही टूटा वही था पता नहीं, अभी मम्मी ने बोला मैंने सुबह उठाया है तो मुझे नहीं पता है कैसे टूट गया, और अभी इनको सही तो कर दूंगा मैं पर थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी आराम करने के लिए इनको मैंने छोड़ दिया पानी वानी पिलाकर, फिर सही हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट थोड़ा दुख होता है बस। अब अगरबत्ती कर लेते हैं उसके बाद सफाई वगैरह सब हो चुकी है, अब बस मुझे ड्रेसिंग पूरी साफ़ करनी है, ब्रश की जगह ब्रश रखना है, फाउंडेशन की जगह फाउंडेशन रखनी है और जो भी है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो पर पूरा नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। निकाल लिए है एक ड्रेसिंग, एक तो फंसी गई सच में, बाकी इसमें पड़ी उसको मैं धीरे धीरे साफ करूंगा एंड साफ कर लेते हैं उसके बाद दिखाता हूँ।
देख सकते हो मैंने सबको एक एक अपनी अपनी जगह पर रख दिया। ब्रश की जगह पर ब्रश रख दिए और ये कलर की जगह कलर रख दिए, लेंस की जगह लेंस लग दिए और बाकी ये मेकअप का प्रोडक्ट है, फाउंडेशन वगैरह ग्लिटर वगैरह सब कुछ मैंने एक जगह रख दिया है। और इसमें भी कुछ सामान पड़ा है, फाउंडेशन वगैरह, और इसके नीचे वाले में ज्वेलरी पड़ी है जो बहुत सारी है, उसको तो मैं बाद में सही करने वाला हूँ। तो अब बस इस अलमारी की सफाई रह गई है, तो अभी मैं धीरे धीरे करके दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा पूरा मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो का लेंथ तो जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड आज देख सकते हो सारे भगवान जी आप देख के चौंक गए होंगे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इनके बारे में। पहले सबको हटा देते हैं, एक जगह पर रख देते हैं। मैंने देखो यहाँ से तो है ना अलमारी साफ कर दी है, ये सामान पड़ा, अब धीरे धीरे साफ करके जमाता जाऊँगा, फिर ये वाली अलमारी साफ करनी है। और अभी बिल्ला पुट्टी नहीं हुई है इसलिए इधर चूना वगैरह गिरता है, अगर हो सका तो अगले साल में बिल्ला पुट्टी भी हो जाएगी। गाइस पूरा का पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, आप देख सकते हो, आप अच्छे से देख सकते हो, पूरा मस्त तरीके से साफ़ करा है। एंड आप देख सकते हो और पूरा कमरा मेरा साफ़ हो चुका है। एंड अब आपको कैसा लगा, आपको दिवाली वाइब्स लगी या नहीं लगी? और हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा ना इतना ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि मेरा 5 मिनट से ज़्यादा का व्लॉग मैं नहीं बनाता। एंड बस आज की व्लॉग को आप इतना ही प्यार दें और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे जय श्री राम जरूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंदास सागर सिंह ब्लॉग्स।